हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, गवर्नमेंट टीचर की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बीएड डीएड कर चुके हैं, सीजेड क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन अगर आपने बीएड या डीएड कर लिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। योगा टीचर, फिजिकल एजुकेशन, सभी के लिए वैकेंसी रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। और सभी के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर आपने टू ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन टू ईयर किया हुआ है, एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री किया हुआ है और बीएड किया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यहाँ पे बता देती हूँ, पीजीटी मैथ, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी कि आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का नॉलेज आपको नेसेसरी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका सैलरी 27,500 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपका एज लिमिट होना चाहिए 40 ईयर या फिर 40 ईयर से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसका, देखिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पे आपको जो है बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए होना चाहिए। बात करते हैं सैलरी की, सैलरी जो है अभी आपको 17,000 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। एज जो है आपका 27 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 जून को पीजीटी का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कि पीजीटी मैथ का 10 बजे है, पीजीटी कॉमर्स का 11 बजे है, पीजीटी हिंदी का 12 बजे, पीजीटी इंग्लिश का 2 बजे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 3 बजे, पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 4 बजे इंटरव्यू है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की, इसकी जो है इंटरव्यू है 1 जून को ही है, जो कि 5 बजे है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में कंसर्न आपका जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होती है, तो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश टू टीच कोर सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपका जो है इंग्लिश में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपका नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन है। सैलरी की बात करते हैं, टीजीटी के लिए ज्यादा कम नहीं है, 26,250 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। एज जो है 35 ईयर से कम या 35 ईयर होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू डेट इसका है, टीजीटी का 2 जून को इंटरव्यू है, मैथ का 10 बजे, साइंस का 11 बजे, सोशल साइंस का 2 बजे, टीजीटी का 3 बजे, फिजिकल एजुकेशन का 4 बजे, हिंदी का 5 बजे है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस टीचर यानी कि WET का जो है, आपने अगर ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन एनी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन प्रोफिशिएंसी आपको इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो 26,250 पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी, एज लिमिट 35 ईयर से नीचे या फिर 35 ईयर। इसकी जो है 3 जून को इंटरव्यू डेट 10 बजे होगी कि आपका योगा टीचर। उसके बाद बात करते हैं WET होम साइंस के लिए, इसमें हमारा जो है BSc होम साइंस से अगर होते हैं, BA की डिग्री होती है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज, इंग्लिश में पढ़ाने का नॉलेज होता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम वही होने वाली है, इसका 3 जून को इंटरव्यू डेट है 11 बजे। WET कंप्यूटर साइंस का जो है सेम वही क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इन टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपको जो है
यानी कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल टीच करने का, पढ़ा सकते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना होगा, नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इसका WAT कंप्यूटर साइंस का 12 बजे है 3 जून को इंटरव्यू डेट, सेम वही सैलरी सेम वही एज लिमिट। उसके बाद WAT डांस टीचर जो कि आपका बैचलर डिग्री, WAT डांस टीचर जिसमें कि आपका सेम वही क्वालिफिकेशन, आप क्या जो है ग्रेजुएशन में डांस से आप होते हो तो अप्लाई कर सकते हो। 3 जून को 2 बजे इंटरव्यू डेट है। उसके बाद देखिए ड्रामा के लिए यहाँ पर निकाला गया है WAT ड्रामा के लिए, आपका बैचलर डिग्री इन ड्रामा में होता है आर्ट कॉलेज से, तो अप्लाई कर सकते हो 3 जून को 3 बजे आपका जो है इंटरव्यू डेट है, सेम वही सैलरी एज लिमिट। उसके बाद ड्रॉइंग पेंटिंग में आपका अगर बैचलर डिग्री होता है तो अप्लाई कर सकते हो, आपका इंटरव्यू डेट 3 जून को ही है 4 बजे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर में, प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास हमें 50% मार्क के साथ, उसके साथ साथ DLED या फिर BEd की डिग्री होती है, फिर BLED की डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है 21,250 पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। इसका इंटरव्यू डेट 5 जून को 10 बजे है। प्री प्राइमरी नर्सरी LKG UKG के लिए आपका जो है यहाँ पर निकाला गया है, जिसमें कि आपका 10+2 50% मार्क्स, DLED, NTT डिप्लोमा, ECCE होता है तो अप्लाई कर सकते हो। इसका इंटरव्यू डेट 5 जून को 11 बजे है। वोकेशनल टीचर, लेबोरेटरी असिस्टेंट इन साइकोलॉजी, ऑफिस असिस्टेंट, इस तरीके से आपका जो है इंटरव्यू डेट निकाल दिया गया है। और टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा देती हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसका जो है कैसे करेंगे अप्लाई मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ से आई हुई वैकेंसीज आई हुई है हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, शुरू से वैकेंसीज आई हुई हैं। अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करना है, बिकॉज सैलरी अच्छी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, अच्छी स्कूल है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ मिलते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द अपडेट।